वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें काफ़ी हेल्प होती है। देश के सबसे लंबे ब्रिज यानी अटल बिहारी वाजपेयी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक या शिवडी न्हावाशेवा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो पूरी तरह से बनकर तैयार है और जनवरी 2024 में इसे ओपन करने का प्लान है। ये ब्रिज मुंबई का एक आकर्षण बन गया है और इससे अब मुंबई से नई मुंबई 15 से 20 मिनट में आ जा सकते हैं। आज हम इसी इंजीनियरिंग मार्वल का प्रोग्रेस देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ये मुंबई में समुद्र में बना 18 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। ये ब्रिज मुंबई से नई मुंबई के बीच डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इस ब्रिज के बारे में 1990 से ही बातें हो रही थी और आखिरकार 2016 में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस ब्रिज की आधारशिला रखी गई। 2018 में इस ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 2023 में ये ब्रिज पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। 2024 में इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया जा रहा है। 2023 में इस ब्रिज का नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट टोटल 21.80 किलोमीटर लंबा है और उसमें 18 किलोमीटर लंबा समुद्र पर बना ब्रिज है। यह प्रोजेक्ट मुंबई साइड से शुरू होता है शिवडी के पास और नई मुंबई साइड में खत्म होता है उलवे के पास चिरले गांव के नज़दीक। इस प्रोजेक्ट में टोटल 3 इंटरचेंज है, पहला है शिवडी मुंबई में, दूसरा और तीसरा है नई मुंबई के शिवाजीनगर और चिरले में। ये ब्रिज कॉन्क्रीट और स्टील से बना है। इस ब्रिज पर टोटल 6 लेन है। इस ब्रिज के मध्य में 4 किलोमीटर लंबा स्टील स्पैन है जिसके नीचे से शिप्स आसानी से आ जा सके। सबसे लंबा स्टील स्पैन है 180 मीटर लंबा। इस ब्रिज पर गाड़ियों की अधिकतम रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस ब्रिज पर ओपन रोड टोल सिस्टम होगा। इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम का भी यहाँ इस्तेमाल किया गया है। उसी के साथ इस ब्रिज पर 130 स्पीड कैमरे और CCTV सर्वेलेंस भी है। इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के वक्त बनाए गए 5.6 किलोमीटर लंबे टेम्प्रेरी ब्रिज को बाद में डिसमेंटल करने की बजाय उसे बर्ड वॉचिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज किया जाएगा। इस ब्रिज के काफी इलाके में प्रवासी पक्षियों का अधिवास है, इसीलिए पर्यावरण पूरक लाइट का इस ब्रिज में इस्तेमाल किया गया है जिससे फ्लेमिंगो, सीगल बर्ड आदि प्रवासी पक्षियों को तकलीफ ना हो। यह ब्रिज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसे सेंसिटिव एरिया से गुजरता है, इसीलिए इस ब्रिज पर विजन बैरियर्स भी लगाए गए हैं। इस प्रोजेक्ट में आते हैं 3 इंटरचेंज और वो है शिवडी, शिवाजीनगर और चिरले में। इन इंटरचेंज से ट्रैफिक मूवमेंट कैसा होगा ये अब इस एनिमेशन से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं शिवडी इंटरचेंज का ट्रैफिक मूवमेंट। अगर आप वडाला ईस्टर्न फ्रीवे से आ रहे हैं और आपको अटल सेतु ट्रांस हार्बर लिंक पर जाना हो तो ये रूट से जा सकते हैं, और अगर आपको ईस्टर्न फ्रीवे के जरिए वडाला जाना हो तो ये रूट से आप जा सकते हैं। नई मुंबई साइड से आने पर अगर आप ईस्टर्न फ्रीवे के जरिए दक्षिण मुंबई जाना चाहते हैं तो आप ऐसे जा सकते हैं। अगर आपको बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट जाना हो तो सीधा ट्रांस हार्बर लिंक से एग्जिट लेके जा सकते हैं, कुछ ऐसे। अगर आप साउथ मुंबई ईस्टर्न फ्रीवे से आ रहे हैं और आपको अटल सेतु ट्रांस हार्बर लिंक पर जाना हो तो ये रूट आप ले सकते हैं। इस ट्रांस हार्बर लिंक का एक्सटेंशन है शिवडी से वरली एलिवेटेड कॉरिडोर और वो कुछ इस तरह से होगा। उसका काम अभी चल रहा है और उसके ऊपर हम अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। ये था शिवडी इंटरचेंज का ट्रैफिक मूवमेंट। अब देखते हैं नई मुंबई के शिवाजीनगर में स्थित इंटरचेंज का ट्रैफिक मूवमेंट कैसा होगा। यहाँ पर यह शिवाजीनगर इंटरचेंज मुख्य तौर पर नई मुंबई एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है। यहाँ पर बनने वाला है नई मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट और इस इंटरचेंज पर कुछ ऐसे होगा ट्रैफिक मूवमेंट।
अब देखते हैं चिरले इंटरचेंज। यह है इस अटल सेतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का एंड पॉइंट। यहाँ पर एक इंटरचेंज बना है जो इस अटल सेतु को पनवेल उरण हाईवे और नेशनल हाईवे 348 से कनेक्ट करता है। अटल सेतु से पनवेल उरण हाईवे या पनवेल उरण हाईवे से अटल सेतु जाने के लिए दो एग्जिट रैंप्स हैं और आगे अटल सेतु और नेशनल हाईवे 348 के बीच कुछ ऐसे ट्रैफिक मूवमेंट होगी। भविष्य में इस अटल सेतु को मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये था इस अटल सेतु यानी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का ट्रैफिक मूवमेंट। अब देखते हैं इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस। यह है चिरले इंटरचेंज। यहाँ ये अटल सेतु समाप्त होता है। अभी देखे तो यहाँ रोड साइंस को लगाया जा रहा है। यहाँ इस पॉइंट से भविष्य में ये रोड कनेक्ट होगा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के साथ। इसीलिए अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर रैंप्स के लिए जगह रखी गई है ताकि यहाँ से आगे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहन नेशनल हाईवे 348 को एक्सेस कर सके। आगे बढ़ने पर यह ब्रिज पनवेल जेएनपीटी रेल लाइन और डीएफसी लाइन को पार करता है। यह है पनवेल उरण हाईवे और यह है इस हाईवे के लिए बने दो रैंप्स। आगे बढ़ने पर आता है इस प्रोजेक्ट का टोल प्लाजा। रोड मार्किंग और टोल बूथ बनकर तैयार है। यहां से आगे आता है खारकोपर स्टेशन जो बना है नेरुल उरण सबर्बन रेल लाइन पर। यह है शिवाजीनगर इंटरचेंज। यहाँ पर बनने वाला है नई मुंबई कोस्टल रोड जो इस शिवाजीनगर इंटरचेंज से नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हुए बेलापुर फेरी टर्मिनल और आगे खारघर तक जाएगा। उसका काम भी बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। इस शिवाजीनगर इंटरचेंज पर ऑलमोस्ट सब काम हो चुके हैं। अब देखते हैं इस शिवाजीनगर इंटरचेंज और आगे आने वाले सेक्शन के दिन और रात में लिए गए कुछ हैरतअंगेज वीडियोज। रात में स्ट्रीट लाइट ऑन करने पर ये ब्रिज और भी सुंदर दिखता है।
आगे बढ़े तो यहां से चालू होता है इस ब्रिज का समुद्र का सेक्शन। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, इस ब्रिज के मध्य में 4 किलोमीटर लंबा स्टील का स्पैन बनाया गया है ताकि उसके नीचे से शिप्स आसानी से आ जा सकें। उसी सेक्शन में सबसे लंबा स्पैन है 180 मीटर लंबा, जिसे ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक कहा जाता है और ये इस ब्रिज की मेन खासियतों में से एक है। ऐसी टेक्निक हमारे देश में पहली बार इसी ब्रिज पर यूज की गई है। ऐसे 2 OSD इस ब्रिज में लगाए गए हैं और उनके वीडियोज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी OSD का समुद्र से लिया हुआ वीडियो अब आप देख रहे हैं। अब तक मुंबई से नई मुंबई जाने के लिए 2 से 3 घंटे लगते थे, लेकिन अब इस ब्रिज के बनने के बाद वही अंतर मात्र 20 से 30 मिनट में पूरा हो जाएगा। ऐसे मेगा स्ट्रक्चर को डिजाइन और बनाने वाले इंजीनियर और श्रमिकों को हम शतशः नमन करते हैं। ये ब्रिज बनने से नई मुंबई साइड में बहुत ही ज्यादा विकास होने वाला है और इसी की ओर एक पहला कदम बढ़ाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इस अटल सेतु और नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक तीसरी मुंबई सिटी बनाने का अहम निर्णय लिया है। इस अटल बिहारी वाजपेयी मुंबई ट्रांसहार्बर लिंक से इस परिसर का डेवलपमेंट में काफी गति आएगी। मैं तो इस ब्रिज के खुलने का और इस पर गाड़ी चलाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आप भी कर रहे हो ना, कमेंट में जरूर बताइए। तो ये था अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नवाशेवा मुंबई ट्रांसहार्बर लिंक का लेटेस्ट प्रोग्रेस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आगे भी देखने हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।